जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइसेप्स वर्कआउट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कआउट। एक्सरसाइज नंबर एक, असिस्टेड ट्राइसेप्स डिप। सबसे पहले असिस्टेड डिप मशीन के प्लेटफॉर्म पर घुटने टेकें और पैरेलल बार को दोनों तरफ से पकड़ें। उसके बाद अपने चेस्ट को सीधा रखते हुए कोहनी को अपने शरीर के पास रखें। फिर कंट्रोल और स्मूथ तरीके से अपनी बॉडी को नीचे करें और कुछ सेकंड्स के लिए रुकें। फिर वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। जैसा आप देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज के आप 3 से 4 सेट्स से 15 रेप्स के कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर दो, नीलिंग केबल ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। सबसे पहले पुली मशीन के हैंडल में रोप या स्ट्रेट बार को अटैच करें। उसके बाद हैंडल को पकड़ते हुए घुटनों के बल इस प्रकार बैठें कि पीठ के पीछे मशीन हो। फिर अपने हाथों को सिर के पीछे रखें ताकि एल्बो बेंड हो जाएं और ट्राइसेप्स स्ट्रेच हो जाएं। फिर हैंडल को सिर के पीछे धीरे धीरे नीचे करें और उसके बाद ऊपर की ओर प्रेस करें। इस एक्सरसाइज की भी आप 3 से 4 सेट्स 10 से 15 रेप्स के कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर तीन, केबल रोप ओवरहेड एक्सटेंशन। सबसे पहले पुली मशीन के हैंडल में रोप को अटैच करें और रोप को पकड़कर अपनी कमर को झुकाकर रोप को अपने सिर के पीछे न्यूट्रल ग्रिप से पकड़ें। फिर रोप को आगे और नीचे तब तक खींचे जब तक कि आपकी आर्म्स सीधी ना हो जाएं और कुछ सेकंड्स के लिए रुकें। फिर रोप को पीछे जाने दें। जैसा आप देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज के भी आप 3 से 4 सेट्स 10 से 15 रेप्स के कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर चार, सिंगल आर्म ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। सबसे पहले पुली मशीन के हैंडल में सिंगल ग्रिप हैंडल अटैच करके मशीन के सामने फेस करके खड़े हो जाएं। फिर अपने ट्राइसेप को फ्लेक्स करके ओनली फोरआर्म को नीचे की ओर एक्सटेंड करें और कुछ सेकंड्स के लिए रुकें। फिर वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। इसी प्रकार दूसरे हाथ से भी ऐसा करना है। इस एक्सरसाइज के भी आप 3 से 4 सेट्स 10 से 15 रेप्स के कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर पाँच, रोप केबल पुश डाउन। इस एक्सरसाइज को करने के लिए पुली मशीन का यूज करना है जिसके हैंडल में डबल रोप अटैच हो। उसके बाद रोप को पकड़ें और थोड़ा आगे की ओर झुकें और अपने ट्राइसेप को एक्सटेंड करके रोप को नीचे की ओर प्रेस करें और कुछ सेकंड्स के लिए रुकें। फिर धीरे धीरे केबल अपने फोरआर्म्स वाले हिस्से को ऊपर उठाएं। जैसा आप देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज की भी आप 3 से 4 सेट्स 10 से 15 रेप्स के कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर छह, क्रॉस आर्म पुशअप्स। सबसे पहले फ्लोर पर अपने दोनों हाथों को क्रॉस में रखें और अपने पैरों को पीछे की ओर करें। उसके बाद धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे करें और फिर अपने शरीर को ऊपर करते हुए ट्राइसेप्स को स्क्वीज करें। जैसा आप देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज की भी आप 3 से 4 सेट्स 10 से 15 रेप्स के कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसे लगे एक बार कमेंट में जरूर बताना।